नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना समीर परवेज और आप देख रहे हैं अपना चैनल फन टीवी न्यूज। चलिए डालते हैं आपके अपने क्षेत्र की और आसपास की खबरों पर नजर। कांग्रेस और भाजपा को लगातार बड़े झटके देकर आम आदमी पार्टी ने जसपुर विधानसभा के ग्राम किलावली, दुर्गापुर एवं गढ़ी नेगी के दर्जनों सिख समाज के लोगों को आपकी सदस्यता दी। बता दें कि नूरी मस्जिद स्थित आप कार्यालय में डॉक्टर यूनुस चौधरी ने सभी सिख समाज के लोगों का स्वागत किया तथा पार्टी का पटका पहनाकर उन्हें आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं डॉक्टर यूनुस ने कहा कि आम आदमी पार्टी का कुनवा सभी वर्गों के लोगों के साथ पूरे विधानसभा में लगातार बढ़ता जा रहा है और आम आदमी पार्टी जसपुर विधानसभा में इतिहास रचने जा रही है। हमारे सब दुर्गापुर किलावली से हैं, वो लोगों में जोश है और भाई लोग हमारे बड़े मजबूत हैं और आम आदमी पार्टी को इससे बहुत ताकत मिलेगी और आम आदमी पार्टी का परिवार आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। मैं स्वागत करता हूं अपने साथियों का कि आज उन्होंने श्री अरविंद केजरीवाल जी के विचारों में विश्वास करते हुए और आम आदमी पार्टी की विचारधारा में विश्वास करते हुए आम आदमी पार्टी जो उनका बहुत दिन की गहराई में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे 40 लोग के करीब हैं जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली और अभी और एक आर्मा आगे बढ़ेगा। अभी और बहुत लोग रोज यहाँ ज्वाइनिंग हो रही है। कल भी हमारे करीब 75 लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, परसों भी लोगों ने मोहल्लों में गलियों में आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी हमारे इस प्रदेश का विकास करने के साथ साथ यहाँ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम कर रहा है। सर, मेरा नाम जसवीर सिंह है, मैं दुर्गापुर गाँव से हूँ। ये सभी साथी मेरे गाँव से हैं। देखो, पार्टी कोई पार्टी नहीं होती है, पार्टी का जो काम होता है वही पार्टी होती है। अगर हम ये कहें कि वो अब हमने पीछे 70 सालों से कई सालों से देखा भी है किस पार्टी ने क्या किया, गांव की हालत आज भी वैसी की वैसी है, उनमें ज़्यादा बदलाव हमें दिखे नहीं है। लेकिन अगर हम केजरीवाल जी को देखें तो केजरीवाल ने दिल्ली में इतना बड़ा बदलाव कर दिया है कि आज केजरीवाल की भी जय जयकार होती है और वो वास्तव में वो जय जयकार केजरीवाल जी की नहीं है, उनके कामों की है। तो हमें भी उत्तराखंड में हमारे इस विधानसभा में हमें भी एक ऐसे नेता की जरूरत है जो हमारा विकास करे, हमारे गांव का विकास करे, हमारे क्षेत्र का विकास करे। वो किसी पार्टी के आधार पर अपना नाम रोशन करने के लिए ना आए, ना कि कुछ ऐसे काम करने के लिए या अपना एजेंडा दिखाने के लिए या हम बोलेंगे गुंडागर्दी करने के लिए आए। हमें सुशासन नहीं चाहिए सर, हमें शासन चाहिए जो जनता के हितों की बात करे, आम आदमी के अधिकारों की बात करे। और एक ही एक पार्टी एक ऐसी है, आम आदमी पार्टी, जो सिर्फ आम आदमी की ही बात करती है। फन टीवी न्यूज की ताजा खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर फन टीवी न्यूज टाइप करें और सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें।